नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फूड ब्लॉग के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। इस समय मैं हूँ महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने, जहाँ पर आपको खजूरिया ढाबा ऑन व्हील्स जो है बाहर ही देखने को नजर आएगा। और जिस तरह से जम्मू में इस समय ठिठुरती सर्दी चल रही है, और अगर बात की जाए जम्मू के क्यूजीन की, जो कि राजमा चावल हैं, और वही आपको जम्मू में ये राजमा चावल पीड़ा के स्वाद वाले मिले तो सोने पर सुहागा वाली बात है। महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक बिल्कुल बाहर खजूरिया ढाबा ऑन व्हील्स, ये ढाबा जो है ये व्हील्स पर चलता है, और यहाँ पर जम्मू के लोगों को पीड़ा के राजमा चावल विद देसी घी के का स्वाद चखाया जाता है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और ये आइडिया इन्हें यहाँ पर कैसे आया, और किस तरह का ये स्वाद जो है यहाँ पर लोगों को चखाते हैं। अनिल कुमार खजूरिया। अनिल जी, कब से आप ये आपने ढाबा यहाँ पर लगाया है? ये हो गए ये तकरीबन जी 2 महीने हो गए। तो क्या यहाँ पर खास आप लोगों को चखाते हैं? यहाँ पे हम खाली राजमा चावल ही बेचते हैं लोगों को, देसी घी डाल के, और अनारदाने की चटनी और प्याज। तो ये तो पीड़ा की बड़ी फेमस डिश है ना, तो आप पीड़ा से क्या वहाँ पर रहते थे या वहाँ से? नहीं, पीड़ा हमारा घर है। पहले हमारा ढाबा भी हुआ करता था, तो वो फिर पार्किंग की वजह से बंद कर दिया गया था, पार्किंग ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम अपना काम करते करते अब ये हमने स्टार्ट किया इधर जम्मू में, कि भाई देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है यहाँ पे राजमा चावल का लोगों को। तो वैसे काफ़ी अच्छा है, चल रहा है बढ़िया। तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप यहाँ पर होते हैं? हम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जी। तो अगर आपने पीड़ा के राजमा का स्वाद चखना है महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक बिल्कुल बाहर, यहाँ पर खजूरिया ढाबा ऑन व्हील्स है, जहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर आपको यहाँ पर गरम गरम राजमा चावल के ऊपर डाला हुआ घी परोसा जाएगा, बिल्कुल पीड़ा जैसा स्वाद है। मैं भी अभी थोड़ी देर में चखने वाली हूँ, आप भी आइएगा। अगर पीड़ा का स्वाद अगर आप जम्मू में चखना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये ढाबा बिल्कुल सही जगह है, जहाँ पर आप पीड़ा के स्वाद वाले राजमा जो हैं चख सकते हैं, क्योंकि ये भैया जो हैं ये पीड़ा के ही रहने वाले हैं। किसी कारणवश इनका ढाबा वहाँ से बंद हो गया और फिर इन्होंने मूव किया जम्मू की तरफ, और अब लोगों को जो है पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर पीड़ा के राजमा का स्वाद जो है चखा रहे हैं। क्या खास चटनी जो पीड़ा की होती है उसे किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि हम घर पे भी बनाते हैं और वो चटनी बनती नहीं है हमसे? अच्छा, ये अनारदाने की चटनी होती है। अब अपने अपने तरीका होता है मैडम ये बनाने का, तो हम अपने तरीके से बनाते हैं घर में, पता नहीं कैसे बनाते हैं, कोई कैसे बनाता है, हम मतलब अपने तरीके से बनाते हैं। ये जो देसी घी आप डाल कर लोगों को राजमा चावल खिला रहे हैं, ये घर का बना हुआ देसी घी है या बाहर से लेते हैं? नहीं नहीं, ये बाहर से ही, दुकानों से, किराना दुकान से, बिल्कुल वो प्योर देसी घी जो है ना वो कहाँ मिलता है, वो हमें खुद घर में खाने के लिए नहीं मिलता है। और हाफ प्लेट या फुल प्लेट की बात की जाए तो कितने, क्या रेट है? हाफ प्लेट 60 रुपए की है घी डाल के, और फुल प्लेट 90 रुपए की है घी डाल के। और अगर जिसने घी नहीं डालना हो तो 40 और 70। तो जैसे आपने सुना कि पीड़ा के राजमा अब जम्मू में भी आपको मिल रहे हैं, अगर आपने हाफ प्लेट लेना है तो 60 रुपये घी डालकर, और अगर फुल प्लेट लेनी है तो 90 रुपये, वो भी घी डालकर। घी डालना या नहीं डालना वो आपकी मर्जी है, लेकिन पीड़ा के राजमा चावल हो और घी ना हो तो मज़ा कुछ किरकिरा सा रहता है। तो इस ठिठुरती सर्दी में आप यहाँ पर ज़रूर आए और एक बार इस पीड़ा के राजमा चावल जो जम्मू में अब आपको मिल रहे हैं उसका स्वाद ज़रूर चखिएगा। एड्रेस मैं फिर से भैया को बोलती हूँ, वो आपको बता देते हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया। कि भैया एड्रेस आप एक बार बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। एड्रेस यही है, ये जेडीए का पार्क है, महाराजा हरि सिंह पार्क, तो यहीं पे हम लगाते हैं 10 बजे से 5 बजे। अगर आप स्वाद चखना चाहते हैं राजमा चावल का तो महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक बिल्कुल बाहर खजूरिया ढाबा ऑन व्हील्स जो है आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहां पर मिलेगा, और यहां पर आपको राजमा चावल पीड़े के स्वाद में जो है मिलेंगे। इसी तरह के हम फूड कोर्ट हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। इस फूड कोर्ट और इस पीड़ा के राजमा चावल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते अगले सैटरडे एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।